दोस्तों, हमारे विशेष कार्यक्रम कोरोना से जंग एलवीएन के संग में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम लॉकडाउन यानी तालाबंदी के खुलने की बात करेंगे। दोस्तों, तालाबंदी के खात्मे से पहले आइए जरा हम पीछे चल के देखते हैं कि अप्रैल के महीने में 25 तारीख को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में कोरोना के बारे में क्या प्रेडिक्शन किया था। उसने कहा था कि 21 मई तक भारत में कोरोना का प्रभाव 97% खत्म हो जाएगा और 31 मई के आते आते भारत में 99% कोरोना खत्म हो चुका होगा। भारत के ICMR ने भी एक मॉडल बनाया था और उसने ये भविष्यवाणी की थी कि जून 1 के आते आते भारत में 99% केसेस क्योर्ड हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे और 26 जुलाई के आते आते भारत से कोरोना पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, यानी हमारे यहाँ 0% केसेस होंगे। इस सपने को साकार करने के लिए देश में लॉकडाउन लगाया गया। एक के बाद एक 4 लॉकडाउन लगाए गए जो 68 दिनों तक चले। पहला लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था। ये सबसे ज्यादा सख्ती वाला समय था। इसमें ज्यादातर चीजों पर पाबंदी थी, तमाम चीजें रुक गई थी, जीवन रुक गया था। उसके बाद 15 अप्रैल से 3 मई तक जो लॉकडाउन बढ़ा तो उसमें जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को खुलने की छूट दी गई। तीसरा लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक चला और इस दौरान ट्रेनें शुरू हुई, प्रवासियों के लिए ट्रेनें शुरू हुई, पैसेंजर्स के लिए ट्रेनें शुरू हुई और बस भी चलाई गई। 18 मई से 31 मई तक चलने वाला ये आखिरी लॉकडाउन, इसमें 25 तारीख को घरेलू उड़ानों की इजाजत दी गई और शहरों में बाजार खुलने लगे। ये सब तो हमने किया, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ा इसको आप इस नक्शे में देख सकते हैं। आप देखिए, 11 से 20 तक भारत में केवल 4 लोगों की मौत हुई थी और 236 लोग संक्रमित थे। इसके बाद 21 से 30 के हफ्ते में जब हम आए तो इसमें 36 लोग और बढ़ गए, यानी 40 लोगों की मृत्यु हो गई और संक्रमित लोगों की संख्या 1251 तक पहुंच गई। 31 मार्च से 9 अप्रैल तक ये हुआ कि और नए 189 लोग कोरोना से मारे गए। इस तरह कुल संख्या 229 हो गई और केसेस की तादाद बढ़कर 6500 तक पहुंच गई। 19 अप्रैल के आते आते ये हुआ कि संक्रमित लोग 16365 पे थे और मरने वालों की संख्या 564 तक पहुंच गई थी। 29 अप्रैल आया तो हम ये देखते हैं कि और 516 लोग मर गए और मरने वालों की संख्या 1000 को क्रॉस करके 1080 तक पहुंच गई। संक्रमित लोग 31787 पे थे। 9 मई तक ये हुआ कि मरने वालों की संख्या 2000 को क्रॉस कर गई, यानी 2093 पर पहुंच गई और संक्रमित लोगों की संख्या 59662 पर थी। अब आप देखिए कि 20 मई आया। 20 मई को यह हुआ कि मरने वालों की संख्या 3000 को भी क्रॉस कर चुकी थी और 3435 पर पहुंच चुकी थी और संक्रमित लोग 1,00,000 से ज्यादा हो चुके थे, यानी 1,06,750। आज हम 30 मई को खड़े हैं और यहां देखें तो संक्रमित लोगों की संख्या 1,82,000 तक पहुंच चुकी है और मरने वाले 5,000 से आगे बढ़कर 5,185 तक पहुंच गए हैं। तो ये हमारी कोशिशें थी और वो उसका नतीजा था। तो आपको याद होगा कि ICMR ने तो ये कहा था कि 1 जून तक 99% लोग क्योर हो चुके होंगे, लेकिन आज हमारी हालत ये है कि कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1,82,000 तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, इस परिस्थिति पे मिर्जा गालिब का एक मशहूर शेर याद आता है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अब जो सरकार ने
अनलॉक फार्मूला बनाया है, यानी तालाबंदी को खत्म करने का फार्मूला, तो इसमें तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो यह है कि देश में जो 30 शहरों के अंदर कंटेनमेंट जोन है, 12 राज्यों के अंदर 30 शहरों में, उनमें 30 जून तक लॉकडाउन बदस्तूर जारी रहेगा। दूसरी अहम बात यह है कि अनलॉक करने की पहली किस्त में देश को 3 फेज में खोला जाएगा और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय SOP जारी करेगा। तीसरा ये कि रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कहीं भी आवाजाही नहीं हो सकेगी, जरूरी सेवाओं को इसमें छूट मिलेगी। हाँ तो दोस्तों, पहला फेज 8 जून के बाद शुरू होगा। इसमें धार्मिक स्थल यानी इबादत की जगहों को खोला जाएगा, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सर्विसेज शुरू हो जाएंगी, शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे। दूसरे फेज में स्कूल और कॉलेज को खोलने का फैसला जुलाई से किया जाएगा। इससे पहले कॉलेज के बच्चों से, उनके परिवार वालों से और दूसरे एक्सपर्ट से फीडबैक लिया जाएगा और आगे चलकर ये फैसला किया जाएगा। तीसरा फेज उन सर्विसेज के लिए है जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर और बड़े बड़े समारोह, कल्चरल फंक्शन, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट वगैरह। इसके लिए अभी कोई फैसला नहीं किया गया है, आगे चलकर जब फैसला होगा तो बताया जाएगा। इसमें जो बड़ी राहत है वो ये कि राज्यों के बीच और राज्यों के अंदर मूवमेंट और सामान की आवाजाही पर अब कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मूवमेंट के लिए अलग से इजाजत या ई परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी। यदि राज्य पब्लिक हेल्थ के कारण मूवमेंट को कंट्रोल करने का प्रस्ताव रखता है तो उसे प्रतिबंध के बारे में पहले से बड़े पैमाने पर प्रचार करना होगा और जरूरी प्रक्रिया पर अमल में लाना होगा। इस दौरान यात्री ट्रेनें, श्रमिक ट्रेनें, बसें और घरेलू हवाई यात्रा भी जारी रहेगी। विदेश में फंसे हुए भारतीयों को लाने का काम चलता रहेगा और जो आसपास के पड़ोसी देश हैं वहां से जो कारोबारी संबंध है, सामान का आना जाना है, वह भी जारी रहेगा। पब्लिक और वर्क प्लेस से जुड़ी कॉमन गाइडलाइंस ये हैं। यात्रा के दौरान किसी पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा। पब्लिक प्लेस पर 2 लोगों के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने पर मनाही रहेगी। शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के जमा होने की इजाजत होगी। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। जितना ज्यादा संभव हो वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी जाएगी। कॉमन एरिया में सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। सैनिटाइजर और हैंड वॉश उपलब्ध करना होगा। ह्यूमन टच में आने वाली सभी जगहों जैसे दरवाजे और हैंडल वगैरह को सैनिटाइज करते रहना होगा। वर्क प्लेस पर सभी एम्प्लॉयज को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। तो दोस्तों, ये जो 4 ताले लगाए गए थे अब वो खुल रहे हैं। इसकी डिटेल देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसकी चाबी अब मोदी जी के हाथ में नहीं है। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री जैसा चाहेंगे इसे खोलेंगे। केंद्र ने केवल प्रतिबंध समाप्त करने का काम किया है। इस बात को समझने में प्रधान जी को 67 दिन लगे कि भारत एक गणराज्य है। दिल्ली में बैठकर अपनी मनमानी करने का सपना झूठा है। यहाँ एक फेडरल सिस्टम लागू है और राज्यों के अधिकार केंद्र से कम नहीं है। दूसरों के अधिकारों का सम्मान किए बिना ये देश नहीं चल सकता। अफसोस कि इस बात को समझाने के लिए कोरोना को आना पड़ा। हालांकि ये संविधान में लिखा है, परंतु उसको पढ़ता कौन है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।